कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। कुछ ऐसा ही देखने को मिला ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर, जहां एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई और एक बस चालक 30 जिंदगियों को बचा गया। बुधवार दोपहर का समय था। रुद्रप्रयाग के रणधार मयाली से ऋषिकेश के लिए एक बस रवाना हुई। बस में 30 सवारियां बैठी थी। बस अपने तय समय पर चल रही थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन तभी अचानक कोडियाला से 1 किलोमीटर पहले बस का ब्रेक फेल हो गया। चालक को इस बात की जानकारी हो गई कि अब बस नियंत्रित नहीं हो सकती है, फिर भी चालक ने हिम्मत नहीं हारी और बस को चलाते रहा। बस की रफ्तार बढ़ रही थी। चालक के दिमाग में कई ख्याल एक साथ चल रहे थे। आंखों के सामने परिवार का चेहरा भी घूम रहा था। निराशा दिमाग पर हावी हो चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद अभी भी बस चालक शिवलाल के अंदर कहीं बाकी थी कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर क्या था, चालक शिवलाल ने हिम्मत नहीं छोड़ते हुए सही मौका देखते ही बस को पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बस सड़क पर ही पलट गई। बस पलटने से सवारियों में चीख पुकार मच गई। सवारियों को मामूली चोट आई, वह सभी सुरक्षित बच गए, जबकि चालक शिवलाल को काफ़ी चोटें आ गई हैं। वहीं परिचालक विनोद सिंह भी चोटिल हो गया है। सूचना पर देवप्रयाग थाना के प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा, बछेलीखाल चौकी प्रभारी विपिन डोबाल पुलिस व आपदा प्रबंधन टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा सभी सवारियों को अन्य वाहनों से ऋषिकेश की ओर रवाना किया गया। प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ था। चालक शिवलाल की सूझबूझ से 30 सवारियों की जान बच गई। फिलहाल चालक शिवलाल को 82 में प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद ऋषिकेश अस्पताल में भर्ती किया गया है।